हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग में कुछ खास है। खास वो है कि आज आदित्य स्कूल गया था, नाश्ता करके गया था, लेके गया था और आ करके भी उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। 8 बजे से स्कूल था और 12:30 बजे इनकी छुट्टी हुई है और आते ही आदि को भूख लग गई है फिर से खारा खाने लगा है वो। और ये देख सकते हैं आप उसका सामान किस तरीके से पड़ा है। इतना अच्छा बच्चा है मेरा कि स्कूल बैग उसने संभाल के नहीं रखा, यूनिफॉर्म ऐसी पड़ी है। तो बहुत टाइम बाद ये सब देख रहे हैं तो बहुत इरिटेशन हो रही है कि कपड़े यहाँ क्यों फेंक दिए हैं, बैग क्यों रख दिए यहाँ पे, क्योंकि काफी टाइम से बस ऐसे ही आदत पड़ गई थी। और ये देख सकते हैं आप, अभिज्ञान के स्कूल नहीं खुले हैं तो अभिज्ञान अभी यही कर रहा है पूरे दिन भर। अभी से हाय और अभिज्ञान पूरे दिन भर बस लेटा रहता है, मस्ती करता रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है। और ये देख सकते हैं रूम की ये बुरी हालत कर दी है इन्होंने। और एक चीज़ और, आज मैंने कुछ रिसीव किया है मीशो से। मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था और आज मुझे वो प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट जो आया है मेरे पास आया है विंग मशीन का और ये मुझे पड़ी है 540 के लगभग। तो ये आप देख सकते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ मेरा वेट कितना है इस टाइम। तो मेरा 65, काफ़ी टाइम से 65 ही है और इसमें भी इतना ही दिखाता है। तो ये 0 पे हो चुका है और अब मैं इसमें खड़ी होंगी और पता चल जाएगा कि मेरा वेट कितना है। तो मेरा वेट 65.15 ग्राम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा वेट इतना है और मुझे इसको कम करना है। तो ये मशीन मैंने मंगाई है मीशो से, हमारा बक्सा आया है। तो ये मीशो से मैंने किचन का एक प्रोडक्ट मंगवाया था तो ये आया हुआ है वहाँ से। तो अभिज्ञान इसको अनबॉक्स कर रहा है, अब देखते हैं इसका यूज़ जैसे मैं सोच रही थी उस तरीके से हो पाता है या नहीं। ऐसे ये तो है, इसमें जो है इसके ये निकले हुए हैं नीचे से और एक इसका ठीक भी नहीं है मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, जो इसका स्टैंड है रबड़ के जो स्टैंड इन्होंने नीचे से दिए हुए हैं ये इसमें ये कटे हुए भी हैं और पूरे भी नहीं हैं, तीन ही दिख रहे हैं मुझे। तो तीन ही है ना, इसका चौथा नहीं है। तो इस तरीके का अगर प्रोडक्ट भेजेंगे तो फिर ये सही नहीं है ना। देखती हूँ अगर ये स्टैंड सही से लग जाता है वहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे वापस करूँगी। बहुत ही यूज़फुल लग रहा है मुझे क्योंकि इसके अंदर से ये छोटी छोटी शीशियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी कबर्ड ऐसे खुलती हैं पूरी, तो यहाँ पर जो खड़ा रहता है उसे हटना पड़ता है। तो ये मैंने इसीलिए मंगवाया ताकि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बार बार चाहिए होती हैं उसे मैं इसमें रख सकूं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है काला नमक, आपका ये तिल है, तिल की चटनी में हम तिल को चटनी में यूज़ करते हैं, और बिस्किट। तो बच्चे बार बार यहाँ स्लैब में चढ़ करके वो निकालते हैं फिर बिस्किट, तो वो स्लैब भी गंदा हो जाता है। और ये है दालचीनी और इसके अंदर इलायची का पाउच भी है, और ये है शहद, घी। तो ये सारा सामान अब मैंने यहाँ पर रख दिया है जिसके लिए हमें इतनी बड़ी ये कबर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आपको अपना किचन मैनेज करना है, क्योंकि हमारा मॉड्यूलर किचन नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। आप भी इसको जो है मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं, 296 रुपीज़ का है। तो चीप एंड बेस्ट प्राइस इसके हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप भी इसे ले सकते हैं। और हमारे पास ये है तांबे का जग, ये बहुत ही पुराना है लेकिन आज मैंने इसे चमका दिया है नींबू और नमक से। तो इससे चमकाया है मैंने नींबू नमक से। और आप भी तांबे के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं इसमें, रात को अगर पानी भर के रखें और सुबह पिए तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। से वो काफ़ी अच्छा हो गया।
तो अब डेली हम लोग रात में उसमें पानी भरेंगे और सुबह उसी पानी का सेवन करेंगे, और वो ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी सारी बीमारियों से हमें दूर रखता है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, क्योंकि मेरे पास मीशो के प्रोडक्ट आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर लूँ। तो मैंने आपसे ये शेयर करने के लिए ही आज का ब्लॉग बनाया है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।